24 आवर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के आजमगढ़ में एक गांव में देर रात एक 6 वर्षीय मासूम संग घर के सामने से उठाकर दुष्कर्म किया गया। करीब एक घंटे बाद परिजनों ने घर से कुछ दूर पर ही एक गड्ढे से बच्ची को बुरी हालत में पाए। परिजनों के अनुसार पीड़ित बच्ची घर के बाहर रात में करीब 10 बजे निकली थी, तभी मौका पाकर गांव का ही एक युवक उसे उठा ले गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने सुबह मुबारकपुर चौराहे पर जाम लगा दिया। लगभग घंटों हुए जाम के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त करवाया। अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी को टीमें लगा दी गई हैं। वहीं पीड़िता मासूम को महिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। एक लड़की घर से सोई पड़ी थी, निकली पेशाब करने, तो उसने आदमी पकड़ के लेकर चला गया, बिंदु नाम का कहाँ रहे, तो उसके हमने देखा दूर पर एक बच्चा लेकर जा रहा था, तो हमने अपनी बच्ची खोजने लगे तो नहीं पाए घर पर, तो हमको शंका लग गया कि उसी बच्चे लेकर हम जा रहा है। तब हम लोग चिल्लाए, गाँव पूरा को बुलाएं, तब वो वहाँ पोखरा में मिली लड़की, बीस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है। बच्ची खोजें 9:30 बजे, नहीं बच्ची मिली। उसके बाद हम खोजने लगे, खोजते खोजते हमको 10:30 बज गया, तो 10:30 बजे के बाद हमें बच्ची मिली।